एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं घर में बैठा था, अपना काम ही कर रहा था कि मेरे को कॉल आता है मेरे फ्रेंड का कि हमारे छोटे भाई ने एक नई गाड़ी ले ली है। तो मैंने पूछा कौन सी गाड़ी है, तो वो बोलते हैं कि आ जा सरप्राइज देते हैं। मैं बोला अरे कम से कम बता दो नहीं है, सेकेंड हैंड है क्या है, तो बोलते हैं कि सेकेंड हैंड है क्योंकि नई तो आ नहीं रही है। मैं फिर दिमाग लगाया, मैं बोला SUV है, कार है, क्या है, कुछ नहीं पता है। आके मैं देखता हूँ तो ये गाड़ी है और ये हमारे भाई साहब ने खरीदी है। अब ये गाड़ी का डैशबोर्ड देख के आप लोग को जस्ट तो हो गया होगा कि ये कौन सी गाड़ी है और ये क्यों नहीं आ रही है अभी नई में। 2019 में, am I right? Yes, yes. 2019 में डिसकंटिन्यू हो गई है। उसके बाद सेकेंड हैंड मार्केट में इसका जो पीक पकड़ा है, मतलब इतना डिमांड है कि ये गाड़ी मिल ही नहीं रही थी। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग को 4x4 VX मिल जाए, बट जिनके पास है वो तो सेल ही नहीं कर रहे हैं और क्यों ही करेंगे, क्योंकि वैसे भी डिमांड में है गाड़ी। सही बोल रहे हो भाई, सही बात है। तो मैंने बोला कि यार अब देखते हैं EX भी अगर मिल जाए तो बेहतर होगा। कल ही हमने बात की है भाई के, हम लोग कल ही गए थे और आज ये सुबह पता नहीं कहाँ से खोज के एकदम अच्छी कंडीशन में EX लेके आ गया। मैं बोला यार ये तो बेस्ट हो गया। और एक चीज बताना चाहूंगा, ये हमारे मतलब हमारे ग्रुप में ये सेकेंड सफारी है और एक और सफारी है जो हमारे बड़े भैया की है। मैं कब से उनके पीछे पड़ा हूँ कि उसका रिव्यू करते हैं, यूजर रिव्यू करते हैं, बट वो आ ही नहीं रहे कैमरे के सामने। आप लोग कमेंट करो, अगर वो आ जाए तो उनको लेके आऊंगा। अभी भी सीट के पीछे बैठे हैं लेकिन दिखेंगे नहीं वो, उनको कैमरे से प्रॉब्लम है। अभी फिलहाल आप सामने का नजारा देखिए भाई, थोड़ा धीरे चलाना ना। और अभी हम लोग जा रहे हैं डीजल डलवाने के लिए, उसके बाद फिर मैं राइड करूंगा, भाई मेरा वीडियो बनाएगा और मैं अपना रिव्यू आप लोग को बताऊंगा कि चलने में कैसी है। बाकी कंडीशन तो काफी अच्छी है। हाँ, थोड़ा बहुत टचअप का काम है क्योंकि बड़ी गाड़ी है, रायपुर सिटी में थी, रायपुर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो दो तीन जगह से हल्की फुल्की फ्यूल इधर मिल जाएगा साइड में, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे स्क्रैच वगैरह है गाड़ी में। बाकी गाड़ी काफी अच्छे कंडीशन में है और जिस प्राइस में मिली है वो बहुत अच्छी प्राइस है। प्राइस में आप लोग को अभी नहीं बताऊंगा, पहले भाई से पूछ लूँ प्राइस रिवील कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो मना करेगा तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज बता सकता हूँ कि बहुत अच्छी डील मिली है। चलिए पहले डीजल डलवाते हैं, उसके बाद बाकी की बातें करते हैं। हो गया, अपन पहुंच गए डीजल। इधर 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 यही डलवाना है डीजल अपने को। भैया डीजल, डीजल 1000 का। ये गड़बड़ हो जाएगा, मैं उधर पेट्रोल इधर डीजल, गलती से इसमें ना, पेट्रोल ना, 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 उसमें डीजल उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। भाई के पास i20 भी है पेट्रोल, तो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। हाँ, काफी अच्छा सनसेट हो रहा है यहाँ पर। चलिए इसके बाद मैं ड्राइव करता हूँ और भाई रिकॉर्ड करेगा, फिर देखते हैं कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस है और आप लोग को आगे की पूरी कहानी बताता हूँ। सो एवरीवन, अब टाइम आ गया कि मैं आप लोग को एक बार गाड़ी दिखा दूं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारी टाटा सफारी स्टॉर्म जो कि अब डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे आप लोग को एलॉय लगा हुआ मिल जाता है क्योंकि ये VX नहीं है, EX है, तो इसमें ओरिजिनल एलॉय डलवाए गए हैं सामने वाले की तरफ से, तो ये हम लोग को मिल जाती है, तो ये खर्चा हमारा बच जाता है। गाड़ी की कंडीशन आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, मैं आप लोग को चारों तरफ से एक बार घुमा के दिखा देता हूँ। और वाइट कलर में मिल गया, ये बहुत अच्छा हुआ। EX की बेजिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं और साइड से भी आप लुक देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है गाड़ी देखने में। और मैं आप लोग को एक बार अंदर से भी दिखाना चाहूँगा, उससे पहले आप सामने से भी देख लीजिए, बहुत ही प्यारी लग रही है यार गाड़ी, सीरियसली बहुत प्यारी लग रही है। अंदर से कंडीशन दिखाना चाहूँगा, अंदर से आप देख सकते हैं काफ़ी वेल मेंटेन गाड़ी है। ये देखिए डैशबोर्ड वगैरह भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मेंटेन की गई है। सीट कवर भी काफ़ी अच्छे से है, पीछे दिखाना चाहूँगा एक बार मैं। पीछे ये हम लोग का बैग वगैरह पड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा घूमने निकले हैं अभी। और सीट कवर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा है। ऊपर में यहाँ पे AC मिल जाती है आप लोग को, तो यहाँ पर भी आप लोग को AC मिल जाती है रूफ में। पीछे का भी आप सिस्टम देख सकते हैं और बैक से आप देख सकते हैं गाड़ी डुअल साइलेंसर है, दोनों वर्किंग है। और हम लोग को यहाँ पे सब बूफर भी मिला है, जो सिस्टम है वो भी अपडेटेड है, तो यहाँ पे म्यूजिक में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। तो गाड़ी काफी अच्छे कंडीशन में मिल गई है हम लोग को। और इसका मॉडल क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। सनी, ये कौन सा मॉडल है? 2016 है। प्राइस काफी अच्छे से मिल गई है हम लोग को। एक बार बोनेट ओपन करेगा क्या, मैं आप लोग को इंजन भी दिखाना चाहूंगा।
इसका बोनेट ओपन करते हैं, इसका इंजन में आप लोग को एक बार दिखाता हूँ कैसे कंडीशन में है। अभी की सफारी में ये हाइड्रोलिक नहीं मिलता, लेकिन ये स्टोव में उस समय की सफारी में हम लोग को हाइड्रोलिक मिल जाता था। और इंजन कंडीशन भी आप देख सकते हैं, थोड़ा धूल है यहाँ पे, लेकिन ये भी वेल मेंटेन ही लग रही है, बैटरी वगैरह भी सब सही है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत है। बहुत अच्छी कंडीशन में बहुत अच्छी गाड़ी मिल गई है। अब मैं ड्राइव करता हूँ, आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। ओके, अब मेरी बारी है। और सफारी में कुछ ऐसा ही चढ़ने का मजा है। ये आवाज सुनी आप लोगों ने, ये टाटा और वॉल्वो में ही मिलता है। बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी ना चलाए। चलिए, मैं हटा लेता हूँ इसका, मुझे काम नहीं। राइट की लेफ्ट अस्नारा से लेना है ना, लेफ्ट होगा। ओके, गियर काफी सही लग रहे हैं, थोड़ा सा स्मूथ नीचे फंस रहा है मैक में, ये भी क्लियर है। सफारी चलाने का यार मजा ही कुछ और है। और ओरिजिनल सफारी की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि यही ओरिजिनल सफारी है। अभी जो सफारी आती है नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, काफ़ी कैपेबल गाड़ी है वो भी। लेकिन जैसा कि आप लोग को पता है कि ये लेडर ऑन फ्रेम है, ये रियल एसयूवी है, और अभी जो आ रही है वो मोनोकॉक के साथ आती है। खैर, उसका अपना अलग मजा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उसको सफारी नाम के बजाय अगर जो उसका नाम रखे थे इन लोग पहले, आई थिंक उसका नाम इन लोग ग्रेविटास रखे थे टाटा वाले, तो ग्रेविटास ही रहती तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि सफारी तो यही है यार। और मैं यहाँ से टर्न करने वाला हूँ, मैं थोड़ा भगाने वाला हूँ और देखते हैं कि गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है। कॉल आ रहा था क्या? अटेंड करेगा तो अटेंड कर ले। हाँ, बोल दो ना भाई, आप बोल दो यार, कुछ भी बोलो यार, सफारी चलाने का मजा ही कुछ और है। और भाई फिर से बधाई हो तेरे को, बहुत अच्छी गाड़ी मिली तेरे को। थैंक यू भैया। और हमारे ग्रुप में सेकंड हो चुकी है, मैं भी अपने लिए सर्च कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जम नहीं रही है बात। अगर ऐसा हो गया, जम गया, तो एक सफारी और होनी चाहिए ग्रुप में, और अगर VX मिल गई तो फिर सोने में सुहागा हो जाएगा। बाय द वे, अभी गाड़ी 80 पे चल रही है और बहुत ही स्टेबल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज़्यादा भगाऊंगा नहीं, अभी हल्के हल्के ही चलाऊंगा, क्योंकि अभी अभी ये आई है तो हम लोग को थोड़ा सा और इसे समझना है। क्योंकि हमारी आदत ये है कि हम लोग किसी भी गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड तब तक नहीं चलाते जब तक उसके बारे में हम लोग सीख नहीं जाते कि उसकी ब्रेकिंग कैसी है, उसका गियर कैसा है, सारी चीज़ें। इससे जस्ट पहले वाली जो सफारी है जिसका रिव्यू आई होप इस जन्म में हो जाए मेरे से क्योंकि जो हमारे भाई साहब है वो मान नहीं रहे हैं रिव्यू के लिए, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। उसको खूब भगाया हमने उसको, मतलब हाईवे में हम लोग लगभग 120-140 तक तो लेके गए हमने, क्योंकि तो उसको हाईवे में काफ़ी भगाया है। इसको अभी थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद ही फिर इसको भगाएंगे। बाय द वे, अभी हम लोग को जल्दी जाना है क्योंकि घर से कॉल आ रहा है, चाचा जी जो है वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी गाड़ी की पूजा भी नहीं हुई है, घर में कोई देखा नहीं है। हमारा जो भाई है वो सीधा सीधा हम लोग को दिखाने ही ले आया था गाड़ी, तो इसको घर में लेके जाएंगे, पूजा होगी, घर वाले भी देखेंगे। तो अभी हम लोग फट से पहुँचते हैं, चाचा जी को लेते हैं, उसके बाद सीधा घर के लिए निकलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।